हेलो दोस्तों, यह प्रस्तुति विशेष तौर पर उन व्यवसायियों के लिए तैयार की गई है जो पोल्ट्री फार्मिंग में निवेश करके लाभ कमाने के इच्छुक हैं। इसको एक्सोनवेट लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री सॉल्यूशंस द्वारा बनाया गया है। भारत में छोटे पैमाने पर ब्रायलर फार्मिंग में अवसर। सन 2016 में टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण में ये ज्ञात हुआ है कि भारत में की लगभग 70% आबादी मांसाहारी है, या यूं कहें कि नॉन वेजिटेरियन है। इनमें अधिकतर 15 वर्ष की आयु से अधिक के लोग हैं। इस बात का सबूत देश में तेजी से बढ़ता हुआ मांस का व्यवसाय है, जिसमें ब्रायलर का एक खास योगदान है। हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में लगभग 60 मिलियन टन मांस का उत्पादन हुआ, जिसमें 27 मिलियन टन पोल्ट्री मांस का था। व्यावसायिक मुर्गी पालन में दो तरह की मुर्गियां पाली जाती हैं। एक वह जो मांस के लिए पाली जाती हैं, जिन्हें ब्रॉयलर कहा जाता है, और दूसरी मुर्गियां वह जो अंडों के लिए पाली जाती हैं, जिन्हें लेयर कहा जाता है। हालांकि अपने उत्पादन काल के बाद लेयर मुर्गियां भी मांस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। भारत में पिछले कुछ दशकों में पोल्ट्री उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा है, और इस समय यह उत्पादन लगभग 8% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। तो इसमें व्यवसाय के बहुत अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। यदि हम देखें तो बढ़ती हुई मांग के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारक काम करते हैं। इनमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण लोगों की बढ़ती हुई आबादी है, और साथ साथ लोगों की बढ़ती हुई दैनिक आय। दूसरा कारण, लोगों की अपने आहार में उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन को सम्मिलित करने या शामिल करने की भी एक वजह है, कि जिसकी वजह से पोल्ट्री व्यवसाय बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है, या यूं कहें कि बढ़ रहा है। एक और इसमें बात है, वह यह है कि लोगों का मानना है कि दिल की बीमारियों से ग्रस्त लोगों को बकरी या भैंस का मांस नहीं खाना चाहिए, जिसकी वजह से वो पोल्ट्री या कहें कि ब्रायलर के मांस की तरफ आकर्षित होते हैं। इस प्रस्तुति में व्यवसायियों को जो जानकारी दी जा रही है, उसका उद्देश्य यह है कि वह इस व्यवसाय के को मोटे तौर पर समझ लें और इसे शुरू करने का फैसला ले सकें। इसकी जो भी अच्छी बुरी बातें समझकर या अपनी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी को समझकर, तो आइए शुरू करते हैं इस व्यवसाय को शुरू करने की आवश्यकताओं के साथ। सभी व्यवसायों की तरह इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं। सबसे पहली आवश्यकता पर्याप्त भूमि की है। हमारे पास पर्याप्त भूमि अच्छी जगह पर उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरी चीज, अच्छी नस्ल के चूजे हमारे पास होने चाहिए। बैलेंस फीड, जो दाना मुर्गी का होता है, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। चौथी चीज, सप्लीमेंट्स और दवाइयाँ। क्योंकि इन मुर्गियों में काफ़ी बीमारियां आने की संभावना रहती है। पांचवी चीज़ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वह है पानी। अच्छी क्वालिटी का पानी अवेलेबल होना चाहिए। शेड, जहां पर मुर्गियों को रखा जाएगा या जाता है। दाने और पानी के बर्तन, फीडर्स और ड्रिंकर्स। और लेबर,
सबसे पहले देखते हैं जमीन। भूमि सबसे अहम संपत्ति है। पर्याप्त भूमि का अच्छी जगह पर होना बहुत जरूरी है। यह आम आबादी से लगभग आधा किलोमीटर या 500 मीटर दूर होनी चाहिए और मेन रोड से अच्छी तरह से जुड़ी रहनी चाहिए, जहां से माल लाया और ले जाया जा सके। और यह जमीन आसपास की जमीन से लगभग 1.5 फुट ऊंची उठी होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो भराव कराया जा सकता है। जैसा कि चित्र में देखा जा सकता है कि आसपास यदि पेड़ हों तो वातावरण और भी अनुकूल हो जाता है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ भराव भी हुआ है और आसपास पेड़ भी हैं। तो बाग या किसी और बगीचे जैसी जगह में भी पोल्ट्री फार्मिंग अच्छी तरह से की जा सकती है। विश्व में मुर्गियों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, परंतु जो मॉडर्न ब्रायलर है वह मुख्यतः दो प्रजातियों की इंटेंसिव ब्रीडिंग और सिलेक्शन के बाद बनाया गया है। वह है प्लायमाउथ रॉक। यह प्लायमाउथ रॉक रॉक नस्ल है जो कि अमरीकी नस्ल मानी जाती है, अमरीकी यूरोपियन नस्ल में। और दूसरी होती है व्हाइट कॉर्निश। इन दोनों की सघन ब्रीडिंग से आज का मॉडर्न ब्रॉयलर निकल कर आया है, जिसके चूजे हम ब्रॉयलर फार्मिंग में इस्तेमाल करते हैं। यदि हम देखें तो यह चूजा अनुवांशिक तौर से बेहद उन्नत होता है, जो केवल 42 दिनों में 50 ग्राम से बढ़कर 2.25 किलो तक का हो जाता है। इस समय कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां अपने पेटेंटेड ब्रीडर मुर्गियां हैचरीज को देती हैं, जो कि आगे चूजे पैदा करवाकर किसानों को बेचते हैं, जैसे लॉहमैन, एवियजन, रॉस और वैंकॉक। वैंकॉक इन सब में काफी अच्छा माना जाता है और इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। तो शुरुआती बिजनेस में शुरुआती जो नए व्यवसायी हैं वह कोशिश ये करें कि वैंकॉक के चूजे ही अपने फार्म में लेकर आए। अगली चीज है फीड। ब्रायलर व्यवसाय के लिए संतुलित आहार का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दाना कुल लागत का लगभग 70% तक होता है। यह पोल्ट्री व्यवसाय का एक आधारभूत स्तंभ है, और जो किसान या व्यवसायी अच्छे से फीड प्रबंधन नहीं करते उन्हें भारी नुकसानों का सामना करना पड़ता है और वह व्यवसाय से भी बाहर हो जाते हैं। इसलिए फीड प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। FCR, कैलकुलेशन ऑफ फीड कन्वर्जन। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि जो मुर्गी दाना खाती है उसे वह कितना मास में बदल पाती है या कन्वर्ट कर पाती है। इसके लिए हम इस कैलकुलेशन को इस्तेमाल करते हैं, जिसे फीड कन्वर्जन रेशो कहा जाता है, FCR। फीड की कार्य कुशलता को FCR में नापा जाता है। यह मानक बहुत उपयोगी होता है। इसमें मुर्गियों द्वारा खाए गए फीड को उनके वजन से भाग दिया जाता है और जो संख्या प्राप्त होती है
उसे ब्रीड के स्टैंडर्ड चार्ट से हम मिलाकर देखते हैं। FCR बराबर मुर्गी द्वारा खाए गए दाने का वजन बटे मुर्गी द्वारा अर्जित किया गया वजन। प्रोटीन और ऊर्जा के आधार पर पोल्ट्री के फीड को तीन भागों में बांटा गया है, प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर। अब दवाइयां और सप्लीमेंट, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो ब्रायलर मुर्गी है वह बहुत ज़्यादा जेनेटिक विकास के बाद बनाई गई है, तो इसमें बीमारियां आने का खतरा, जो इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इस वजह से इनमें बीमारियां आने का खतरा रहता है। तो इसलिए हमें दवाइयां शुरू में देनी पड़ती हैं जो कि अनिवार्य हैं। खासकर भारतीय इंडियन कंडीशंस में। दूसरी चीज सप्लीमेंट्स है, क्योंकि इनकी ग्रोथ बहुत तेज होती है और सब कुछ हम फीड से नहीं दे पाते, तो हमें ये सप्लीमेंट जैसे विटामिन हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो ये सब अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमें पानी में देने पड़ते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज इसमें है वैक्सीनेशन, या कहें टीकाकरण। मुख्यतः ब्रॉयलर में 5 टीके लगाए जाते हैं। पहला टीका हैचरी में ही लग के आता है, जो कि मेरेक्स बीमारी का है। इसे सबक्यूटेनियसली नेक में, मतलब गर्दन में लगाया जाता है, उसकी खाल में। 6ठे दिन, 5वें 7वें दिन रानीखेत डिजीज वायरस F1 स्ट्रेन का टीका लगता है, या तो आँख में लगाते हैं या फिर नाक में डालते हैं। 14वें दिन IBD मतलब गंभोरो बीमारी का, आँख में या नाक में, इंट्राओकुलर और इंट्रानेजल। 21वें दिन रानीखेत डिजीज वायरस लासोटा स्ट्रेन, वहाँ पर F1 लगा था, यहाँ पर लासोटा स्ट्रेन, पानी में देते हैं। और 28वें दिन फिर से गंभोरों का बूस्टर डोज लगाते हैं पानी के अंदर। फीडर और ड्रिंकर, खाने के बर्तन और पीने के बर्तन। इसी तरीके से ड्रिंकर होते हैं जिनमें पानी दिया जाता है, ये अलग अलग नाप के अलग अलग मात्रा में आते हैं। प्रत्येक 1000 मुर्गियों पर 20 फीडर और 20 ड्रिंकर आमतौर से रखे जाते हैं, लेकिन जैसे गर्मी ज्यादा है तो ड्रिंकर बढ़ा दिए जाते हैं, फीडर कम कर दिए जाते हैं, या सर्दियों में फीडर बढ़ा दिए जाते हैं, ड्रिंकर कम कर दिए जाते हैं, लेकिन अमूमन आमतौर पर 20 का प्रत्येक 1000 मुर्गियों पर एक रेशो सेट रहता है। और आजकल जैसा कि हमने देखा कि बेल ड्रिंकर भी आ गए हैं। बेल ड्रिंकर एक ऑटोमेटिक ड्रिंकर होते हैं, उनमें पानी ऊपर की टंकी से अपने आप आता रहता है, तो आप बस एक बार टंकी में पानी भर दें तो पाइप्स के जरिए से वो बेल ड्रिंकर में आ जाएगा, जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फीडर और ड्रिंकर्स को यहाँ पर अरेंज किया गया है, किस तरीके से रखा गया है। यहाँ पर बस एक बात ये ध्यान में रखने योग्य होती है, रखनी चाहिए, कि मुर्गी को पानी पीने के लिए या दाना खाने के लिए 6 फीट से अधिक चलना ना पड़े। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पार्टीशन भी किया है ताकि मुर्गियाँ ज़्यादा इधर उधर ना जाएं, क्योंकि चलने से एनर्जी खर्च होती है और एनर्जी खर्च होगी तो वेट कम बढ़ेगा, तो वो FCR नीचे चला जाता है, बढ़ जाता है और उससे नुकसान होता है। पानी की गुणवत्ता, पानी स्वच्छ, ताज़ा और ठंडा होना चाहिए।
टीडीएस की मात्रा पानी में 300 से अधिक ना हो तो अच्छा है, पीएच 7 तक होनी चाहिए और इसमें कोई माइक्रोबियल कंटेमिनेशन मतलब जो बैक्टीरिया या जीवाणु कीटाणु को कंटेमिनेशन ना हो, और नाइट्रेट कंटेंट जो है नाइट्रेट पानी के अंदर वो 10 ppm से अधिक ना हो। इससे जो दिक्कत आती है उन जगहों में दिक्कत आती है जहां पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर हुआ रहता है और फर्टिलाइजर यूरिया वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ होता है, तो उन जगहों से जब पानी निकालते हैं तो नाइट्रेट बहुत ज़्यादा रहता है, तो नाइट्रेट एक तरीके से पॉइजनिंग भी करता है पोल्ट्री में और FCR के ऊपर फर्क पड़ता है। पानी कितना कंज्यूम किया जाता है ब्रॉयलर के हिसाब से यदि हम देखें तो 21 डिग्री 27 डिग्री 32 डिग्री और 43 डिग्री पर 0 से 7 दिन, पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते और चौथे हफ्ते में। तो 27 लीटर मिनिमम से लेके पांचवे या छठे हफ्ते में लगभग 650 लीटर तक पानी ब्रॉयलर पी जाते हैं शेड। एक वयस्क मुर्गी के लिए 2.25 किलो की मुर्गी के लिए लगभग 1.25 फुट जगह स्क्वायर फुट जगह की रिक्वायरमेंट होती है। जो चौड़ाई होती है शेड की वो उसे 30 फीट रखना चाहिए ताकि गैस उसमें हवा का आवागमन अच्छा बना रहे और गैसें जमा ना हो, और जो लंबाई है मुर्गी के फार्म की वो मुर्गियों की संख्या के आधार पर उसे देखा जाता है। और लंबाई को कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है कि मुर्गियों की संख्या को 1.2 से गुणा करके बटे 30 कर दें। आइए अब देखते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ 3000 बर्ड्स। मुर्गी के दाम 25 रुपये, 3000 मुर्गियों के 75,000 रुपये, फीड 30 रुपये किलो, 10,500 किलो फीड जो कि 3,15,000 रुपये का माना गया है। मेडिसिन सप्लीमेंट 5 रुपये प्रति एक मुर्गी के हिसाब से 3000 मुर्गियों के 15,000 रुपये, लेबर 4 रुपये के हिसाब से 3000 मुर्गियों का 12,000 रुपये, बिजली पानी लीटर और इन सब का खर्चा 2 रुपये के हिसाब से 6,000 रुपये, फीडर ड्रिंकर की कीमत 200 रुपये प्रति एक फीडर और ड्रिंकर की कीमत, तो 120 ड्रिंकर और फीडर की ज़रूरत है जो कि 24,000 रुपये के होंगे। शेड की कीमत 75 रुपये स्क्वायर फीट से लगभग 3600 स्क्वायर फीट 2,70,000 रुपये, तो कुल खर्चा 7,17,000 रुपये। यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि यहाँ पर सारे रेट जो हैं या दाम जो हैं वो नॉर्मल मार्केट के हिसाब से लिए गए हैं, यह ऊंचे नीचे होते रहते हैं। आइए अब देखते हैं इनकम। यदि हम इनकम की बात करें तो एक 3000 ब्रॉयलर के फार्म में एक ब्रॉयलर का 42 दिन पर वजन 2 किलो हमने माना है तो 6000 किलो टोटल वजन। एवरेज जो दाम है 1 किलो के 80 रुपये माने गए हैं, तो 6000 किलो के जो दाम है वो 4,80,000 रुपये। तो टोटल कॉस्ट जो निकल के आई वो शेड और फीडर ड्रिंकर की कीमत को हटाकर, क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट है अगर हम देखें कि रनिंग कॉस्ट के हिसाब से, तो 4,23,000 रुपये टोटल रनिंग कॉस्ट निकल के आती है और 4,80,000 रुपये का हमारा वो बिकता है माल, तो हमारी आमदनी कितनी होती है लगभग 57,000 रुपये जो टोटल इनकम इसमें
3,000 मुर्गियों में कमाई जा सकती है। इसको आप विभिन्न वेबसाइट पे देख सकते हैं क्योंकि रेट्स वगैरह वहाँ पर आते रहते हैं, तो एक एवरेज रेट लिया गया है यहाँ पर 80 रुपये प्रति किलो, तो प्रति एक 42 दिन पर आप 57,000 रुपये कमा सकते हैं। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो एक्जोन वेट का यूट्यूब पर जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।